तेज बरसात के चलते रणथंभौर क्षेत्र के नदी नाले उफान पर। टाइगर पार्क में आगामी आदेश तक के लिए सफारी बंद। लगातार बरसात के चलते टाइगर पार्क के अंदर नालों में जोरदार पानी की आवक और जोन 6 में पिछले दिनों पानी में फंस गई थी एक कैंटर, और ऐसे में फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार ने पर्यटक सुरक्षा ध्यान में रख सफारी बंद कर दी है। हालात सामान्य होने तक सफारी रखी जाएगी बंद। पूरे क्षेत्र में पानी की लगातार आवक हो रही है, सड़कें लबालब है, और निर्मल तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, हमारे एसोसिएट एडिटर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निर्मल जी, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो मॉनसून अपडेट हो या फिर उससे होने वाला असर। टाइगर पार्क का हम जिक्र कर लेते हैं, रणथंभौर का, इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जबरदस्त पानी की आवक हो रही है और चारों तरफ रणथंभौर में पानी ही पानी इस समय नजर आता है। एक जोन 1 से 5 को, जो कि 3 महीने के लिए बंद था, तो वो तो 30 सितंबर तक वैसे ही बंद रहेगा, लेकिन जोन 6 से 10 का, जो जिसको बफर जोन भी कहा जाता है, खंडार वाला जो पूरा क्षेत्र है जिसमें हम कुशाले दर्रे की बात करें, खंडार की बात करें, राजबाग पुलिया की बात करें, आज जबरदस्त पानी की आवक हुई। और यही कारण था कि पहले से ही एहतियात के तौर पर, देखिए योजना जब आदमी बनाता है तो बहुत अच्छा काम करता है, फील्ड डायरेक्टर अनूप कियार जो वहां के हैं, उन्होंने पहले ही, उनको पता था कि अनप्रेडिक्टेबल बरसात हो रही है, तो उन्होंने सफारी को आगामी आदेश तक बंद कर दिया। लेकिन आज जो घटना घटी वो बहुत खतरनाक और दिल दहलाने वाली थी। जिस तरह से लगातार देर रात से पानी की आवक सवाई माधोपुर पूरे क्षेत्र में हो रही है, वहां राजबाग पुलिया टूट गई। राजबाग पुलिया टूटते ही वहां 3-4 जो वहां लोग थे उनके बहने की सूचना थी, एक को बचाया गया, उसके बाद 3 लोगों को और बचा लिया गया। गनीमत यह है, कलेक्टर SP मौके पर पहुंचे, जिला प्रशासन पुलिस के अधिकारी इस समय मौके पर है, लेकिन राजबाग पुलिया के टूटने का मतलब यह है कि पूरे रणथंभौर क्षेत्र में, पूरे सवाई माधोपुर में घनघोर बरसात हो रही है। अमरेश्वर, जोजेश्वर, तमाम जो वन क्षेत्र के अंदर मंदिर बने वहां जबरदस्त पानी की आवक देखने को मिल रही है। राजबाग तालाब पूरी तरह से लबालब हो चुका है, मलिक तालाब पूरी तरह से लबालब हो चुका है, पदम तालाब पूरी तरह से लबालब हो चुका है, कुशाली दर्रे की तरफ से जबरदस्त पानी की आवक खंडार क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ऐसे में चारों तरफ पानी ही पानी है, और ऐसा लगता है कि इस बार तो मानसून जो टूट कर बरसा है, तो ऐसा लगता है 2-4 साल का जितना पानी उनको बरसाना था एक बार में ही बरसा लिया। लेकिन गनीमत यह है कि कोई भी बड़ा हादसा रणथंभौर में नहीं हुआ है, इसका कारण है कि दूरदर्शिता वहां के अधिकारियों ने, मैं फिर अनूप कियार का नाम लूंगा, डॉक्टर रामन भाकर जो DCF है उनका नाम लूंगा, प्रमोद भाकर जो वहां पर काम कर रहे हैं जो DCF टूरिज्म है, इन तमाम लोगों ने, वहां के रेंज अधिकारी, फॉरेस्टर, छोटे छोटे वन कर्मी, वन रक्षक, यहाँ तक की जो कैटल गार्ड है, उन तक ने एक समुचित योजना के तहत काम कर गया, दूरदर्शिता दिखाई, क्योंकि बीच में देखिए गणेश चतुर्थी का मेला भी था, ऐसे में लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा भी थी। रणथंभौर का जो मंदिर मार्ग है वहां देखा गया, मिश्र दर्रे के आसपास उन्होंने बैरिकेडिंग लगाई ताकि कोई हादसा ना हो, और लेकिन आज जिस तरह की घटना सुबह घटी है राजबाग उस पुलिया की अगर हम बात करते हैं, उसका टूटना ये बात दर्शाता है कि इतनी जोरदार बरसात सवाई माधोपुर क्षेत्र में हो रही है, वहां एहतियात बरतने की जरूरत है। तो जितने भी वन्यजीव प्रेमी हैं, जितने भी तमाम जो दूसरे जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं, उनसे भी हम चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि वो हालात को देखें, समझें, जाने, न्यूज के माध्यम से जाने, दूसरे माध्यमों से, संचार माध्यमों से परखें, उसके बाद ही रणथंभौर जाएं, क्योंकि वहां जबरदस्त पानी की आवक देखने को मिल रही है, और जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे सफारी भी नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजबाग कुटिया टूटी है, वहां के लोगों को जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है, पुलिस प्रशासन ने, कि वो उस क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि जलाकर्षण में वहां जाते हैं, बहने की घटनाएं पहले भी कुशाली दर्रा में हो चुकी है, तो बचना चाहिए उस क्षेत्र में। हम भी यही अपील करेंगे, दूर से देखें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों में रखें, जब तक की हालात सामान्य नहीं हो तब तक अपने घरों में ही रहें, बेवजह बाहर ना निकले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी विस्तार से जानकारी के लिए, और अलर्ट फिलहाल करने के लिए लोगों को, क्योंकि ये जागरूकता बेहद जरूरी है।